हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे और एक मिनी ब्लॉग में। और आज है शनिवार, मुझे पकाना है कुछ वेज। आज गणेश चतुर्दशी भी है तो इसलिए मैं पम्पकिन फ्राई कर रही हूँ। मैंने डाल दिया है गरम तेल में फ़ुरन और ग्रीन चिली, और उसके बाद मैंने पम्पकिन डाल दिया है और फिर नमक छिड़क दिया है, और उसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी और पका लूँगी। और अभी डाल दिया है मैंने टर्मरिक पाउडर। तो मेरा पम्पकिन फ्राई हो चुका है। अभी अभी मैं इसे कटोरी में निकाल लूँगी। कटोरी में निकालने के बाद मैं बना रही हूँ कलमी का साग। इसमें मैंने डाल दिया है कलौंजी। कलौंजी डालने के बाद, भुन जाने के बाद मैंने अभी कलमी का साग डाल दिया है। उसमें नमक छिड़क दिया है और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर से अच्छे से भून लूँगी। और इसे जब पक जाने के बाद मैं अच्छे से स्मैश कर लूँगी, और स्मैश करने के बाद ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा खाने के लिए। और मैं इसे अभी कटोरी में निकालूंगी। तो बन गया हमारा पम्पकिन फ्राई और कलमी का साग। तो मैंने आज वेज खाने के लिए बनाया है दाल, पम्पकिन फ्राई और कलमी का साग, क्योंकि आज गणेश चतुर्दशी है और हमें वेज खाना है। तो खाना वाना पकाने के बाद मेरे घर का हालत ऐसी हो गई है, और मैं कर रही हूँ इसकी साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरीके से। अभी मैं अपने पहले वाले कमरे में आ गई हूँ, इसकी सफाई कर लूँगी। पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से। इसके बाद देखिए मेरे दूसरे बेडरूम का क्या हालत हो चुका है, अभी इसे मैं क्लीन कर दूंगी अच्छे से। उसके बाद मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। तो अभी झाड़ू लगा लेती हूँ सारी। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगा दिया है बहुत अच्छे तरीके से सारे घर में। लाइज़ोल से मैंने पोछा बहुत झग झग मार के लगाया है। और फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ अपने पूजा घर में, गणेश जी की पूजा करने। मैंने बेलपत्ता चढ़ा दिया है, फूल चढ़ा दिया है गणेश जी को नहाने के बाद। और इसके बाद मैंने अगरबत्ती और दिया भी जला दिया है, गणेश जी के लड्डू भी दे दिया है मैंने खाने के लिए। और अभी कर लूँगी मैं थोड़ी बप्पा की पूजा। और यहाँ पे मेरी बप्पा की पूजा शुरू हो गई है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। तो मैं गई हूँ अपने बेडरूम में। यहाँ पे है मेरी स्टडी टेबल के ऊपर एक शेरावाली माता की तस्वीर है। यहाँ पे भी मैं आरती थोड़ा सा कर लूँगी और फूल और बेलपत्ता चढ़ा दूँगी, क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ है। और मैं थोड़ी सी आरती माता जी की भी कर लूँगी। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी मैं तुलसी माता को जल चढ़ाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही मिनी ब्लॉग देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कॉमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। थैंक यू दोस्तों, आप सबको बहुत